जय महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं हिरटपाड़ा वाटरफॉल आया हूं। देखो, देख सकते हैं मेरी पीछे आपको वाटरफॉल दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है ये, और एक यहां पे आना और जाना बहुत ही आसान है। आप गूगल मैप के भरोसे यहां पे आ सकते हैं। देखो, यहां तक ग्रिल बना हुआ है, यहां तक आपकी बाइक आ सकती है दोस्तों, ठीक है। यहां पे वॉच टावर भी बना हुआ है, यहां तक आपकी बाइक आ सकती है। आप आराम से यहां तक आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम भी बाइक से यहां पे आए हैं। इसके पहले मैं वहाँ पे सुखा दादर वाटरफॉल पे गया हूँ, वो एकदम ही मतलब ऑफ बीट वाटरफॉल है, कोई वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन इससे भी ऊंचा वाटरफॉल है। बहुत मजा आएगा आपको देखने में। यहाँ आई बटन में आपको लिंक में दे दूंगा, आप आई बटन के लिंक से क्लिक करके वो वीडियो देख लो, ठीक है दोस्तों। अभी हम वाटरफॉल के नीचे जाते हैं, क्योंकि ना यहाँ से असली मजा यहाँ से नहीं आएगा, असली मजा आएगा नीचे जाके, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा इस अभी इस रास्ते में, जैसे आप आगे आएंगे ना, चार अलग अलग रास्ते जाते हैं, लेकिन आपको हिरटपाड़ा के लिए आगे एक, जैसे आप राइट की तरफ मुड़ेंगे ना, थोड़ा सा आपको बोर्ड दिख जाएगा हिरटपाड़ा वाटरफॉल का, ठीक है। तो आप उसी बोर्ड के नीचे से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। बहुत ही कच्चा रास्ता है, लेकिन आप आगे बढ़ते आइए। आपको मैप अगर गूगल मैप लगा लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गूगल मैप आपको सही सही यहाँ तक लेके आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखो, नज़ारा देखोगे, बहुत सुंदर नज़ारा है, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से ऑफ रोडिंग चालू हो जाती है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे रोड खत्म हो चुका है अपना। राइट राइट राइट, सही है सही है, राइट चलो राइट चलो। यहाँ से दोस्तों आपको पूरा ऑफ रोड मिलेगा, थोड़ा आगे जाने के बाद वापस से अपने को रोड मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता जो है अपना पूरा ऑफ रोड से भरा हुआ। ऑफ रोडिंग का मज़ा भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। आपके गाड़ी का टायर अच्छा होना चाहिए, मेरे टायर के साथ आप भी यहीं रह जाएंगे। देख रहे हो, देखो दोस्तों, अब आगे हमें थोड़ा सा अच्छा रोड मिल रहा है वापस से। ये बीच में ना थोड़ा डैम था, थोड़ा ऊंचा था, इसलिए यहाँ पे रोड बना हुआ नहीं है, हो सकता है पहले बना हो, अब टूट गया है, ठीक है। देखो, कितना डैम है यहाँ पे। हिरटपाड़ा गांव आ चुके हैं हम। एक्चुअली हिरटपाड़ा वाटरफॉल ना इसी गांव के नाम पे पड़ा हुआ दोस्तों। तो देखो, वाटरफॉल गांव के नाम पे, ये हम हिरटपाड़ा गांव के अंदर एंट्री कर चुके हैं दोस्तों। ये इस गांव का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। गांव में थोड़ी बाइक अब धीरे ही चलाए, क्योंकि बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं, तो गाँव में बाइक अब धीरे धीरे चलाएं। यहाँ से देखो लेफ्ट लेना है हमें। देखो इस तरफ बोर्ड का ले ले। देखो यहाँ पे लगाया हुआ हिरटपाड़ा। दोस्तों फाइनली हम वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं तो अपनी बाइक पार्क लगा के नीचे चलते हैं, मज़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम हिरटपाड़ा आ चुके हैं, लेकिन बहुत जोर से भूख लगी थी और पानी भी ख़त्म हो चुका है। बिना हाथ धोए मैं तो खाना खा रहा, देखो इसमें ही खा रहा हूँ। देखो राम भाई कैसे खा रहे हैं। सबके हिस्से में बस एक एक टिप्पी पानी आई है, जिसको हाथ धोना हाथ धोना, जिसको पानी पीना है पानी पी ले भाई। मैंने तो भाई पानी पीने के लिए रख दिया पानी, फिलहाल खा रहा हूँ फ्राइड राइस। खाने के बाद नीचे जाके झरने का पानी पीऊँगा, मज़ा आएगा, मीठा मीठा पानी, ठीक है। पहले खाना खाता हूँ दबा के। ये देखो, ये व्यू है यहाँ का। बाइक वगैरह पार्क करने के लिए यहाँ पे जगह अच्छा खासा है, तो बाइक वगैरह आराम से पार्क कर सकते हैं। पार्किंग का कोई फीस वगैरह तो नहीं लगा मुझे, फ्री है बिल्कुल भी यहाँ पे आना, ठीक है। पर खाना खाता हूँ, बहुत भूख लग रहा है। राम ये क्या है? ये भाई चारों लोगों के हिस्से का पानी है भाई। दोस्तों मेरे हिस्से का पानी देखो, एक टिप्पी पानी, एक टिप्पी पानी की कीमत तुम क्या जानो। एक टिप्पी पानी पी लेता हूँ मैं। देखो सबके गले में चावल लटका है ना। ये मेहर का टिप्पी मैं बड़ा देता हूँ थोड़ा। आहिर टिप ले, जो पॉट में बच रहा मुझे आई नहीं बचेगा, मुझे पता है, इसलिए मैं तुझे दिया, इसमें दे रहा हूं मैं। उसकी इच्छा पूरी कर दे, उसकी इच्छा पूरी कर दे। अरे पानी देख के समझ में आ रहा है मुझे। अरे भाई हाँ बस हो गया। अबे उसमें उल्टा कम है मेरे संजीव। ला ला एक जल ही जीवन है, आज पता चला है। मजा आ भी गयो। सब चावल अंदर चला गुज्जू भाई, मजा आ भी गयो। दोस्तों
सब ने एक एक टिप्पी पानी पी लिया है। अब चलते झरने पे, झरना दिखाओ आपको, यहाँ से झरना दिख भी रहा है, देखो देख रहे हो आप, ये देखो झरना दोस्तों नीचे, और यहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है, देखो चारों तरफ पहाड़ हैं, यहाँ पे झरना बह रहा है, आपको अगर ऊपर से देखना झरने का मजा तो ऊपर ये क्या बोलते हैं वॉच टावर बोलते हैं ना इसको, वॉच टावर बना हुआ है, देखो कितना सुंदर, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन हम तो, हमें तो झरने के नीचे जाना है, वहाँ पर जाके असली फील वहाँ पर जाके आएगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा बस लगभग चौथी बार आ रहा हूँ मैं हेरपड़ा वाटरफॉल में, क्योंकि बहुत ईजी है जाना दोस्तों। यहाँ पे देखो मस्त लादी वादी लगाया हुआ है, इसके पहले मैं आया था ना तो लादी वादी नहीं लगा हुआ था, मतलब मिट्टी का था यहाँ पे पूरा, लेकिन अभी मस्त लादी वादी लगा दिया है, थोड़ा मतलब बाइक वाइक की कार वार पार्क करने में थोड़ा अच्छा हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी देखो वाटरफॉल पे आपको ना यहाँ साइड से उतरना है, यहाँ ये बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपको आना है और यहाँ से आपको नीचे उतरना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से नीचे उतरने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, आप बहुत ही आसानी से यहाँ से नीचे उतर सकते हैं। थोड़ी दूर तक ऐसे मस्त सीढ़ी भी बनी हुई है थोड़ा नीचे जाने के बाद, लेकिन सीढ़ी नहीं है। फ्रेंड्स अभी हम देखो वाटरफॉल के नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे देखो वाटरफॉल आपको यहाँ से दिख रहा है, मतलब नीचे तो नहीं है, थोड़ा पहाड़ से बस थोड़ा आधा रास्ता आए हैं, मतलब आधा मतलब 20% रास्ता आए हैं। यहाँ तक आपको सीढ़ी मिल जाएगी, इसके बाद देखो सीढ़ी नहीं है, यहाँ पे आपको ऐसे उतर के जाना है दोस्तों। देखो दोस्तों उतर रहा है मेरा दोस्त, यहाँ पे उतर रहा होगा देखो, तो यहाँ पे लास्ट ग्रिल है। अगर आपको नीचे उतरने में नहीं हो रहा तो यहाँ से आप एकदम वाटरफॉल के सामने से व्यू एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से रिटर्न जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आपको नीचे जाना, थोड़ा हिम्मत करके हम नीचे जा सकते हैं, इतना भी रिस्की नहीं है, अब आराम से बैठ बैठ के धीरे धीरे नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम भी चलते हैं नीचे, नीचे जाके मजा लेते हैं दोस्तों। दोस्तों देखो यहाँ से घुसकते घुसकते नीचे उतरना है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा फैंटम बनने की कोशिश ना करें, आराम आराम से जाएँ। देखो व्यू कितना सुंदर है पीछे का मेरे, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर आपको इस तरह से धीरे धीरे आना है आगे बढ़ते हुए। राम भाई तो खड़े हो क्या, क्यों बैठ गया, आ जा खड़े हो क्या, आ जा, मेरे को बोला था क्यों बैठ गया। राम आ जा आराम आराम से भाई। मिहिर दो शब्द आप बताना चाहेंगे। बहुत रिस्की भाई, पहाड़ों से तो रिश्ता था आपका, समंदर से नहीं है ना, समंदर कहाँ है, तो पहाड़ी है। राम भाई आराम से आ जाओ, और वो भोसड़ी का डिस्कवरी साला देखो दोस्तों ऐसा रास्ता यहाँ पे, आराम आराम से उतरना नीचे धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से देखना आपने वाटरफॉल। गिर गया देखो, गिर गया वहाँ पे संजीव भाई, गिर गया है इसी तरह से, पूरा दिन वो गिरते बजरते आ रहा है आज तो। साला कीचड़ रहते तो इतना फॉल स्लिप नहीं करते रे। अकेले लोग अकेले। दोस्तों संजीव ने डेयरिंग करके आगे जाने का फैसला लिया है, देखो आगे आगे जा रहा है, हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। संजीव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों नदी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे वाटरफॉल है, वाटरफॉल का ये पानी थोड़ा सा हमें क्रॉस करके आगे की तरफ जाना है, पत्थर पे वहाँ पे जाना, पत्थर पे जाना है, तो थोड़ा हम लोग नदी क्रॉस कर रहे हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, दोस्तों फाइनली मैं वाटरफॉल के यहाँ पे पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। देखो बहुत ही स्लिपरी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है पैर। ये देखो मेरे दोस्त थकेले आ रहे हैं, आ जल्दी आ जल्दी आओ, कम ऑन बेबी कम ऑन। दोस्तों देखो इतना सुंदर वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, यहाँ तक आना पूरी तरह से वर्थ है दोस्तों। पानी का फोर्स हो, कितना फोर्स है पानी का। यहाँ पे टोटल तीन वाटरफॉल दिख रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाटरफॉल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और एक सामने देखो छोटा वाटरफॉल, वहाँ भी बह रहा है और यहाँ भी बह रहा है, देखो दिख रहा है आपको यहाँ से बहते हुए। बहुत सुंदर वाटरफॉल यहाँ पे दिख रहे हैं, चारों तरफ खाई, देखो चारों तरफ खाई है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में बहुत ही अच्छा पॉन्ड जैसा बना हुआ, जैसे वाटरफॉल बह रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कहाँ आप इंडोनेशिया थाईलैंड वीलैंड जाते हैं देखने के लिए, यहाँ आ गए दोस्तों महाराष्ट्र, इतना सुंदर सह्याद्री है, पहले ये तो पूरा देख लो फिर आप इंडिया के बाहर जाओ, पहले यहाँ तो आ जाओ पास में, कहाँ घूमते रहते हो आकाश में।
फ्रेंड्स वाटरफॉल इतना बहुत जोर से मतलब बरस रहा है ना कि समंदर के जैसे लहर आ रहा है यहाँ पे। लहर देख रहा, लहर आ रहा है, देखो लहर आ रहा है पूरा। मारो भाई डुबकी मारो, देखो गंगा यही यही है। हर महादेव आदित्य तो आ, क्या मजा ले रहा है, क्या हुआ राम? झरना बोल के समंदर में ले आया, लहर मार रहा है, पानी का लहर इतना ही नाव में से लोटा ले लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम नहा नहा के थक चुके हैं, अपने घर जा रहे हैं दोस्तों। पानी बहुत ही, यहाँ पे बहुत मजा आएगा, लेकिन थोड़ा रिस्की प्लेस भी है। तो ग्रुप में आए, सबसे अच्छी बात है ग्रुप में आए तो सबसे अच्छा है। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क ना लें, थोड़ा बहुत पानी में नहाए वापस चले जाए। हम भी यहाँ पे चार लोग आए थे ग्रुप में, बहुत मजा किया हमने। अभी हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। लगभग 4-5 बज चुका है, घर जाते थे अंधेरा हो जाएगा क्योंकि मुंबई से आए हुए यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, लगभग 80 या 90 किलोमीटर है हमारा घर यहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने घर। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम।